जर्नी ऑफ लेजेंड्स सीजन वन इंडियन लेजेंड्स और एपिसोड नंबर 26 आज बी एस चंद्रशेखर की करेंगे हम बात एपिसोड नंबर 26 के अंदर जर्नी ऑफ लेजेंड्स का। उम्मीद करता हूँ कि अभी की आपको एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है कोई को मिस कर दिया है तो आप जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगा जर्नी ऑफ लेजेंड्स इन सीजन वन इंडियन लेजेंड्स के, वहाँ पर एफ टी आर एम गोयनका के द्वारा आपको नजर आ जाएगा। आपको यहाँ पर बी एस चंद्रशेखर, इनका 17 मई 1945 को इनका जन्म हुआ था। फॉर्मली हुआ एक लेग स्पिनर रह चुके हैं, टेस्ट इनका बताए तो इन्होंने 1964 से लेकर 1979 तक इन्होंने खेल खेला। 58 मुकाबले खेले, 242 विकेट चटाते नजर आए, 16-5 विकेट का हॉल और 2-10 विकेट का हॉल लेते नजर आए। कौन सी टीम के सामने कैसा किया प्रदर्शन, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने इन्होंने 9 मुकाबले खेले, 38 विकेट चटाया। इंग्लैंड के सामने 23 मुकाबले, 95 विकेट। न्यूजीलैंड के सामने 8 मुकाबले, 36 विकेट। पाकिस्तान के सामने 3 मुकाबला, 8 विकेट और वेस्ट इंडीज के सामने 15 मुकाबले, 65 विकेट लेते नजर आए। कौन से देश मिलाकर कैसा प्रदर्शन किया, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन्होंने आपका 7 मुकाबलों में 29 विकेट चटकाए। इंग्लैंड के अंदर जाकर इन्होंने 8-9 मुकाबलों में 31 विकेट लिया। भारत के अंदर इन्होंने 22 मुकाबले के लिए 142 विकेट लेते नजर आए। पाकिस्तान में 3 मुकाबलों में 8 विकेट, वेस्ट इंडीज के अंदर 4 मुकाबलों में 21। कौन से कॉन्टिनेंट में जाकर इन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, तो अमेरिका के अंदर 4 मुकाबलों में 21 विकेट, एशिया के अंदर 35 मुकाबलों में 150 विकेट, यूरोप के अंदर 9 मुकाबलों में 31 विकेट, ओशिनिया के अंदर 10 मुकाबलों में 40 विकेट। आपको होम एंड अवे की करें बात तो घर पर इन्होंने 32 मुकाबलों में 142 विकेट लेते नजर आए, 8-5 विकेट का हॉल और 1-10 विकेट का हॉल लिया। बाहर जाकर इन्होंने 26 मुकाबलों के अंदर 100 विकेट वहाँ पर भी लिया, 8-5 विकेट का हॉल और 1-10 विकेट का हॉल बाहर जाकर भी लिया। कौन से साल में उनका कैसा प्रदर्शन था, तो 1964 के अंदर 6 मुकाबले 19 विकेट, 1965 के अंदर 2 मुकाबला 8 विकेट, 1966 के अंदर 14 विकेट 2 मुकाबले, 1967 के अंदर 6 मुकाबला 21 विकेट, 1972 के अंदर 2 मुकाबले 18 विकेट, 1973 के अंदर 3 मुकाबला 17 विकेट, 1974 के अंदर 4 मुकाबले 12 विकेट, 1975 के अंदर 2 मुकाबला 4 विकेट, 1976 के अंदर 11 मुकाबले 52, 1977 के अंदर 7 मुकाबले 33, 1978 में 7 मुकाबले में 26 और 1979 के अंदर 3 मुकाबला 5 विकेट नजर आया। अब कप्तान कौन से इन्वॉल्व थे, तो बी एस बेदी के कप्तानी में खेला, आपको सुनील गावस्कर कप्तानी में खेलते नजर आया और भी यहाँ पर कप्तान के अंदर में खेलते नजर आया आपको ये। अब टॉस जब जीता 31 मुकाबले में 132 विकेट, 5 विकेट का हॉल और 2-10 विकेट का हॉल। लॉर्ड टॉस के अंदर 27 मुकाबले 100 से ऊपर वहाँ पर विकेट और 8-5 विकेट का हॉल लेते नजर आए। अगर आपको बताएं तो जब भारत मुकाबले को जीता तो 14 मुकाबलों में 98 विकेट, लॉस्ट मैच के अंदर 83 विकेट 24 मुकाबलों में और ड्रॉन मैच के अंदर 20 मुकाबलों में 61 विकेट लेते नजर आए। आपको बताएं, अब आपको ले चलते हैं हम ओडीआई क्रिकेट की तरफ। ओडीआई क्रिकेट में इन्होंने सिर्फ एक ही मुकाबला इन्होंने खेला जहाँ पर इन्होंने 7 ओवर डाले एक मुकाबले के अंदर, वहाँ 3 विकेट लेते नजर आए। आपको टेस्ट कहेगा, आपको बॉलिंग पोजीशन अगर बता दें तो सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स के अंदर इन्होंने खेल खेला जहाँ पर पहला के अंदर इन्होंने 3 विकेट लिए, थर्ड पोजीशन के अंदर 22 मुकाबलों में 74, फोर्थ पोजीशन के अंदर 31 मुकाबलों में 123, फिफ्थ पोजीशन के अंदर 12 मुकाबले 39 विकेट और सिक्स पोजीशन के अंदर 2 मुकाबले 3 विकेट लिया। आपको ओडीआई करियर में सिर्फ इन्होंने एक ही मुकाबला खेला, इसलिए आपको उन्होंने पूरा ब्रेकअप जैसे टेस्ट क्रिकेट का दिखाया था वो आपको नहीं दिखाया मैंने। तो ये बी एस चंद्रशेखर की बात कर रहे थे एपिसोड नंबर 26 के अंदर सीजन वन इंडियन लेजेंड जर्नी ऑफ लेजेंड्स का। उसके लिए अभी आपके लिए धन्यवाद, इतना ही है ये वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।